नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, पीएम मोदी ने लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में आयोजित भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत सरकार सबका साथ लेकर सबका विकास कर रही है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, पीएम मोदी ने स्वीडन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि मेरी खामोशी पर नसीहत देने वाले अब क्यों खामोश हैं। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 56 इंच के सीने में गरीबों और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कहा कि 10 से 15 साल के अंदर अमेठी को सिंगापुर बना दूंगा। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आरक्षण मुद्दे पर कहा कि उनकी पार्टी गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिए जाने के पक्ष में है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, लालू यादव के अनुपस्थिति में तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय से आज हो रही है सगाई और शादी 12 मई को पटना के वेटरनरी कॉलेज में होगी। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस बच्चियों की नहीं बल्कि नेताओं की सुरक्षा में लगी है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने कहा महाभारत के दिनों में भी इंटरनेट सैटेलाइट हुआ करता था और उसी के जरिए संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की कहानी सुनाई थी। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार के गाल सहलाने पर मचा बवाल। और बड़ी खबरों में ग्यारहवें नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा कि अदालत को अपने राजनीतिक दंगल का अखाड़ा न बनाएं। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गूगल और स्मार्ट कार्ड लॉबी नहीं चाहता है कि आधार कार्ड सफल हो। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता द्वारा कुर्सी पर बैठे बैठे राष्ट्रगान गाने का वीडियो शेयर करते हुए कहा ये है कांग्रेस का संस्कार। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, ट्विटर यूजर ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अक्षय तृतीया पर बधाई देने की आलोचना करते हुए कहा कि एटीएम में तो कैश है नहीं और बधाई दे रहे हैं अक्षय तृतीया की। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के MLC उम्मीदवार बुक्कल नवाब ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चढ़ाया 20 किलो के पीतल का घंटा और बुक्कल ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए चंदा दूंगा। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, 4 मैचों में 201 रन बनाकर ऑरेंज कैप के दावेदार विराट कोहली ने कहा कि मुझे ऑरेंज कैप पहनना अच्छा नहीं लग रहा है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, IPL 2018 में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा और IPL पॉइंट टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद 4 मैच जीतकर शीर्ष पर बना हुआ है। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, फिल्म कलंक में 21 साल बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी एक साथ नजर आएगी। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, जैकलिन फर्नांडिस ने मेकअप आर्टिस्ट सान के बर्थडे पर लग्जरी कार गिफ्ट की। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, सलमान खान के 10 का दम के लिए मिक्का सिंह ने टाइटल गाना का रिकॉर्ड किया। और आगे की खबर मध्य प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां मोदी सरकार के सभी बच्चों को खाना शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे योजना को गहरा आघात लगा है। जब एक स्कूल में हमारे संवाददाता पहुंचे तो वहां के टीचर ने बातचीत करते हुए कहा सीनियर मैडम टाइम पर नहीं आती है, जिससे ना तो बच्चों को टाइम पर खाना मिलता है और ना ही पढ़ाई होती है। आप
आपको बता दें कि इस स्कूल के बच्चे को पीएम और राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है और ये हालात भीराघासी के जूनियर हाई स्कूल की है। और अगली खबर पंजाब के मोहाली जिले से आ रही है, जहां मिस एंड मिसेज वैग सीजन 2 का ऑडिशन लिया जा रहा है और इस ऑडिशन में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस ऑडिशन में प्रभजोत कौर, संगीता लथुरा और अमरजोत कौर मौजूद थी। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।